हेलो व्यूवर्स तो यूपी स्कॉलरशिप दो हज़ार बाईस से छात्रवृत्ति को लेकर आज क्या अपडेट है करेक्शन क्या सच में चालू हो गया क्योंकि कई सारे छात्रों का कहना है कि सर कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं कि करेक्शन चालू हो गया क्या वास्तविकता है ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके अलावा कुछ छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसको भी दिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ किनका वेरीफाई हुआ ये सारी जानकारी दूंगा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी तो वीडियो मन अलग बने रहिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर हिट करें ऐसे ही पल पल की अपडेट को पाने के लिए तो चलिए आई वीडियो को स्टार्ट करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जारी किया गया इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको अवगत कराना है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति सत्र दो हज़ार बाईस तेईस के छात्रवृत्ति के फॉर्म डी एच डब्ल्यू कार्यालय पर निर्धारित समय से अग्रसारित कर दिए गए हैं ऑनलाइन सशोधर करेक्शन के लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल छः एक दो हजार तेईस से तेरह एक दो हज़ार तेईस तक खोल दिया गया है जिन छात्र छात्राओं ने रिजल्ट में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर इनरोलमेंट नंबर अन्य करेक्शन करना हो वो छात्र छात्राएँ ऑनलाइन करेक्शन पोर्टल पर जाके करेक्शन कर सकते हैं तो ये एक नोट छूटी की तरफ से जारी किया गया है तो इसमें क्या वास्तविकता है क्या सच्चाई है ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं आगे क्या लिखा हुआ है कि जिन छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर संशोधन करेक्शन कर सबमिट किया हो ऐसे छात्र छात्राओं का प्रार्थना पत्र विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रारूप पर प्रत्रंक व दिनांक के साथ डीएसडब्ल्यू कार्यालय में दिनांक तेरह एक दो हज़ार तेईस तक प्रसिद्ध कराने का कष्ट करें उन छात्र छात्राओं का फॉर्म छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो है उसको ऑनलाइन अग्रसारित किया जाना है तो भाई देखो ये एक छात्र ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा कह रहा है कि ये चीज में किसी है किसी यूनिवर्सिटी का बताया कि ये ऑफिशियल नोटिस है तो अगर ये नोटिस है तो ये हो सकता है कि मे बी ये उन छात्रों के लिए हो स्पेशली सी एस जे एम यू के छात्रों के लिए क्योंकि कई सारे छात्रों का ऑनलाइन करेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है आप लोग चेकआउट कर लो देखो किसका हो रहा है किसका नहीं बाकी का बता दूं कि देखो दो डेट शीट आया है एक डेट शीट आया था 19 तारीख से 27 तारीख के बीच में और एक आया है यहाँ पे कि 6 तारीख से होगा और 13 तारीख तक तो छः से तेरह के बीच में किन छात्रों का हो रहा है कैसे क्या हो रहा है इसके रिगार्डिंग कल मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा उसको ज़रूर से देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो सभी लोग जल्दी से और अभी के लिए इतना बताऊंगा कि हाँ आपको छात्रवृत्ति का लाभ कब तक मिलेगा देखो दस तारीख आज नौ हो गया है क्या कल से छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा तो अभी तक के हिसाब से तो बिल्कुल चांसेस हैं कि कल तक लाभ मिलेगा और क्या अपडेट है ये बता दूं जिन भी छात्रों का फॉर्म कुछ इस प्रकार से लिखा आ रहा है यानी कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी कि अगर आपका भी फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई है तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ शत प्रतिशत मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है और कल उन्हीं छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी कल भेजी जाएगी परसों तक रिसीव होगा या फिर कल कुछ को रिसीव होगा जिनका फॉर्म पहले ही वेरीफाई हो चुका था समझ रहे हो तो उनका तो पक्का कल परसों तक भेज दिया जाएगा बाकी जिनका अभी पेंडिंग है वो लोग इंतज़ार करो अपने कॉलेज के टच में रहो बातचीत कर लो और कल मॉर्निंग का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई सारी चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ समझ गए तो बिल्कुल मिस मत करना चैनल को सब्सक्राइब करके देखना और यहाँ पर देखिए एक छात्र का कहना है कि सर मेरा भी बत्तीस सौ आ गया मैं क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ थैंक्स सर तो यहाँ पर देखिए बत्तीस सौ इनका कहना है कि तो वही अभी कक्षा नौवीं दसवीं के लगभग सभी छात्रों को भेज दिया गया है ग्रहवीं बारहवीं के छात्रों को रिसीव हो रहा है तो आप लोग भी देख लो कई सारे स्क्रीन आपको दिखाया था अभी कल वाले इसके पहले वाले वीडियो में नहीं देखा है तो जाओ वीडियो सेक्शन में विजिट करके देख लो सारी चीजें समझ देखिए स्कॉलरशिप आज से भेजी जाएगी ऐसे में आपको अपना पैसा चेक करने का तीन तरीका पहला है कि आपको क्रोम पे बोर्ड्स एग्जाम टाइप करके सर्च करना है जैसे आप टाइप करके सर्च करते हो कहीं और नहीं जाना है सिर्फ यहाँ पे देखिए यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दो हजार बाईस तेईस इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो करेक्शन के लिए भी जब भी पोर्टल खुलेगा उसका लिंक आपको एक्टिव दिया हुआ है इवन दो आप अपना पैसा भी चेकआउट कर सकते हो पी एफ एम एस माध्यम से और उमंग एप से भी तो भाई पी एफ एम एस से तो हर कोई जानता है चेक करना उमंग एप से कैसे चेक करना है उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है उसको डालना है और रजिस्टर घर जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर डाल के एम पिन क्रिएट कर लेना है उसके बाद अपना इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना है दूसरा बैंक में जाके भी पता कर सकते हैं तीसरा यू से घर बैठे अपना बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं आई होप सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई तो देखिए जो भी नोटिस था उसको मैंने दिखा दिया आपको बाकी का छात्रवृत्ति आने को लेकर गुड न्यूज़ यह है कि कल से आप सभी की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी मगर फिर कह रहा हूँ उनकी भेजी जाएगी जिनका फॉर्म पहले वेरीफाई हो चुका था और आप कमेंट करके बताइए कि आपका फॉर्म दिसंबर में किन किन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई हो गया था वो लोग कमेंट करके बताएं उन्हीं का चांसेस ज़्यादा है करेक्शन के रिगार्डिंग कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा कुछ छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो रीजन वही है नॉन काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग का डिटेल में किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी है बाकी का बहुत जल्द आपका स्टेटस जो है अपडेट कर दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग आप लोग इंतजार करो पंद्रह तक सोलह तक हो जाएगा या फिर डायरेक्ट फिर तीस जनवरी तक दो डेट शीट है समझ रहे हो अब लग रहा है छात्रों को दो डेट शीट आप क्यों बता रहे हैं सर देखो करेक्शन का अलग, अलग अलग डेट शीट आया है उस हिसाब से अधिकारी फॉर्म लेंगे उनका निरीक्षण करेंगे उसके बाद एन से डाटा मिलान करने के बाद ये सारी प्रक्रिया लंबी होती है उसके बाद देन आफ्टर आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा समझ गए फिर तो डाटा भेजा जाएगा फिर आपको छात्रवृत्ति का भी लाभ मिल जाएगा तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी काम जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ इस चैनल पर ट्रस्ट करने के लिए और रेगुलर बेसिस वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्र